Happy birthday to you. Happy birthday to you. Amon, e bhabe, tui theke ja shobhabe. बर्थडे मतलब गुटू का तो बर्थडे लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है सभी का मन में, लेकिन वो सारे कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। गुटू का इंग्लिश में डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी, जो कल है, जो नेक्स्ट डे है, लेकिन बंगाली में आज है तो उसका घर में आज ही मनाते हैं। और इसलिए मैं तो दो दिन ही मनाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि तो चलो बंगाली इंग्लिश दोनों दिन मनाएंगे, तुम्हारा बर्थडे दोनों दिन है, तो इसलिए आज गुटू का बर्थडे स्पेशल डे है। तो चलो सब लोग मिलके गुटू को बोलो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज गुटू का बर्थडे है तो स्पेशल है ही हम दोनों के पास, और इसीलिए हम दोनों देखो तैयार हो चुका है। सुबह सुबह, सुबह नहीं मतलब 10:30, 11 बज रहा है अभी। तो अभी हम दोनों देखो एकदम तैयार हो चुका है, और इधर इतना ठंड है क्या बताए, मैंने एकदम मन ही नहीं कर रहा है कि बाहर निकले, इतना ठंड है। लेकिन भगवान की जिद के आगे तो मेरा कुछ है नहीं, बोले उसका कल से बोला था सुबह सुबह उठ के रेडी होना, काम करके मैंने तो उठा सुबह सुबह, उठे वही सब काम किया। तो अभी हम लोग एकदम रेडी हो चुके हैं, अभी हम लोग बाहर जाएंगे। कहाँ जाएंगे मुझे भी नहीं पता, बाबन को पता है। हम लोग प्लान किए थे कि हम लोग दूर गए जाएंगे, लेकिन इतना ठंड है ना, मतलब अगर दूर पे जाएंगे फिर लौटेंगे शाम हो जाएगा, ठंड लग जाएगा, ऐसे ही गुटू का तबीयत अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उधर हम नहीं जाएंगे, हम पास में ही कहीं किधर जाएंगे। मुझे भी नहीं बताया अभी तक पास में कहाँ जाएंगे, पास में जाएंगे मेरा दिमाग में है वो। तो चलो अभी निकलते हैं। देखो मैं एकदम टोपी स्वेटर सब कुछ पहन लिया, एकदम ठंड अगर लग जाए ना तो दोनों का ही हालत खराब हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आज धूप भी नहीं निकला, एकदम धूप नहीं निकला बाहर, एकदम तो एकदम क्या बोलते हैं कुआशा कुआशा कुआशा, एकदम कोहरा कोहरा तो वो पड़ा है। तो चलो ज्यादा बात नहीं करेंगे, तो चलते हैं बाहर, क्योंकि और चलते हैं जहाँ हम लोग जाएंगे अभी। तो चलो ज्यादा बात नहीं करेंगे, चलते हैं एकदम बाहर निकलते हैं, और किधर जाते हैं क्या करते हैं पूरा दिन का आज का ब्लॉग आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे न्यू न्यू वीडियो देखने के लिए। तो चलो कंटिन्यू करते रहे आज का ब्लॉग, देखते रहो। फ्रेंड्स हम लोग बस से उतर गए, और बस में इतना ज़्यादा भीड़ था, खड़े होने का भी जगह नहीं था, इसलिए हम लोग दिखा नहीं पाए। बस से अभी उतर गए हैं। देखो अभी हम लोग ये इको पार्क गेट नंबर 2 इधर है, अभी साबोए से उधर जाना, साबोए से उधर जाएंगे इको पार्क गेट नंबर 2। तो चलो चलते हैं, फिर जाके आप सबको दिखाते हैं। तो फाइनली बाबा मुझे इको पार्क लेके आए हैं, और मुझे बहुत पसंद है जगह। तो चलो जाते हैं, पहले अंदर जाते हैं, चलो। आते ही देखो चारों तरफ फूल, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो इको पार्क गेट नंबर 2, इधर से एंट्री करेंगे हम, पहले टिकट लेना पड़ेगा फिर एंट्री करेंगे। और सामने ही देखो कितना सुंदर फ्लावर्स है, बहुत अच्छा लग रहा है ये फूल देखने में। देखो ले लिया टिकट, हम दोनों जाएंगे, और 60 रुपीज़ है पर टिकट, 30 रुपीज़ करके। तो चलो इधर से अभी हम एंट्री करेंगे। देखो टोपी पहन के मेरा बाल का हालत देखो क्या हो गया, एकदम खड़ा खड़ा हो गया।
दो नंबर से आप लोग आओगे तो इधर एकदम फ्रंट पे ही मिल जाएगा झील, नहीं तो अगर चार नंबर या तीन नंबर से आओगे तो बहुत घूम के आना पड़ेगा फिर आपको झील मिलेगा, इसलिए हम लोग दो नंबर से एंट्री किया है। देखो हम इधर से एंट्री किए और इसका अपोजिट में ही है ये झील, और इधर देखो बोटिंग करने का भी ऑप्शन है, आप लोग अगर आओगे तो ये बोटिंग भी कर सकते हो। देखो इधर से साइकिल लेकर भी घूम सकते हैं। अभी हम लोग दो नंबर गेट से अंदर की तरफ जा रहे हैं, मतलब तीन नंबर या चार नंबर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि और भी घूमना है अभी तो शुरू हुआ है, घूमना स्टार्ट हुआ है, अच्छा लग रहा है इसके अंदर आए, और इधर देखो झील है, इसके साइड से हम लोग जा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। हाँ, ठंडा ठंडा नहीं है, ठीक ठाक भीड़ है तो ऐसे तो होता ही है, ठंडा ठंडा हवा भी दे रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा दे रही है, धूप का तो तेज एकदम नहीं है, बहुत ठंड भी लग रहा है, लेकिन हम तो प्रोटेक्शन लेके आए हैं स्वेटर एकदम, देखो स्वेटर टोपी खोल के रखे है क्योंकि ज़्यादा गर्मी लग रहा है, मतलब टोपी पहनते हैं तो गर्मी लग रहा है इसलिए खोल के रखा है। तो अभी हम लोग जाएंगे घूमते घूमते, देखते हैं कहाँ किधर कौन सा जगह मिलता है, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। बहुत सारे फ्रेंड बाहर से है जो लोग इको पार्क अभी तक नहीं आया या अभी नहीं आ सकते, तो आप लोग इस वीडियो के जरिए में देख लो। चलो तो हम लोगों को लग गया है भूख और चलते चलते अभी तेज भूख लग रहा है, तो चलो अभी हम लोग एक अच्छे से जगह देख के बैठेंगे और फिर हम लोग उधर बैठ के खाना खाएंगे। तो चलो आते ही काम स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे हम लोग बैठेंगे अभी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पिकनिक करने के लिए आए हैं ना पापा, पिकनिक बर्थडे सेलिब्रेशन होगा है ना। हम लोग देखो बैठ गए हैं एकदम, और अभी इधर बैठ के थोड़ा रेस्ट लेंगे और खाएंगे पियेंगे मौज करेंगे। पहले बताओ कि तुम्हारा बर्थडे में इतना सुंदर एम्बियंस में तुमको लेके आए हैं, कैसा लग रहा है बताओ? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं तो सोचा था मैं निकलूँगी नहीं इतना ठंड है, लेकिन बाबर ने प्लान कुछ पहले बोला था कि विक्टोरिया जाएंगे, उसके बाद बोले नहीं एक दूसरे जगह लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे ये नहीं बताया, तो उसका सडनली मन हुआ कि इको पार्क जाएंगे, और वो इधर ला के मुझे बोल रहा है इको पार्क अंदर जाएंगे, तो मुझे इको पार्क बहुत ही पसंद है, इसके पहले भी एक बार मैं आई हूँ तो वो भी बाबन के साथ ही आई हूँ, तो आज दूसरा टाइम और आज मेरे बर्थडे पे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में। तो आज घुटू का बर्थडे है इसलिए ये छोटा सा केक कटिंग होगा अभी, तो चलो केक कटिंग करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर घुटू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पहले लो सब तो बनता ही है ना, ऐसे भी मुझे खाना वेस्ट करना पसंद नहीं है, वेस्ट नहीं, वो खाने के बाद मेरा हाथ में जो था वो इसका दाल, और मुझे ये जो फ्लेवर है केक का बहुत पसंद है, बाबा को पता है तो इसलिए बाबा ने ये मैंगो फ्लेवर ना एकदम। तो चलो पहले मैं खा लेता हूँ ये क्योंकि नाम पे उसका बर्थडे लेकिन काम मेरा है, तो बात करते करते केक खा लेते हैं क्योंकि भूख लग गया है मुझे भी, तो में देना पड़ेगा। हाँ मुझे देना पड़ेगा। नो ना। अभी घुटू को और एक छोटा सा सरप्राइज मेरी तरफ से वो है, लेकिन उसके पहले घुटू को आंखें बंद करना पड़ेगा। चलो आंखें बंद कर लो, चलो हाथ दे दो। हाँ चलो अभी आंखें खोलो। कैसा लगा ये सरप्राइज? थैंक यू। तो आज मैं अच्छा लगा, आज मैं ये घुटू को देना चाहती हूँ, और ये देख के मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसे ही पूरा मतलब ज़िंदगी भर जितना भी बर्थडे आए मैं तुम्हारे साथ
बताना चाहती हूँ और ऐसे ही उनको खुशी रखना चाहती हूँ और ऐसे ही सुख दुख सारे टाइम में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ठीक है। बेस्ट बेस्ट गिफ्ट मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे भी हैप्पी लग रहा है इधर आके, मतलब सच में बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। गुटू के लिए कुछ करती हूँ तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलता है कि गुटू खुशी हुआ, तो उससे गुटू से भी ज़्यादा खुशी मेरे को होता है। वैसे तो हम लोग घर पे सेलिब्रेट करती हूँ क्योंकि पिछले साल भी बाबा ने घर पे सेलिब्रेट किया, अच्छा लगा मुझे। और पिछले साल हम लोग दक्षिणेश्वर गए थे, हाँ। दक्षिणेश्वर गए थे पूजा देने के लिए, तो इस साल थोड़ा अलग, तो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, मैंने सोचा कि बाहर कहीं घूमने जाए क्योंकि हर बार तो उसको घर पे ही सरप्राइज देता हूँ, फिर पिछले बार भगवान को पूजा देने के लिए गया था, तो इस बार सोचा कि हमारा घर का भगवान को अच्छे से पूजा दिया, फिर जाके अभी हम लोग सोचा कि दोनों एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करें। पहले सोचा था कि विक्टोरिया जाएंगे लेकिन नहीं गया क्योंकि बहुत ठंड है और उधर जाने में आने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो पास में ही कहीं किधर चलते हैं, तो हम लोगों ने आ गया है इधर। और इधर आके तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, तो मुझे भी ऑनेस्टली मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और फील गुड। हाँ, तुमको फील गुड कराने के लिए ही तो इधर लाया गया है ना। चलिए खाएंगे अभी नहीं, बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे। चलो पहले हम लोग घर से जो खाना लेकर आए हैं, मतलब भूख तो मुझे ज़्यादा लग रहा है गुड्डू से ज़्यादा, तो चलो और मेरे हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना क्या बना के लाया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो पहले प्लेट सजा लेते हैं। हाँ, प्लेट सजा कर। तो देखो हमारा आज दोपहर का मेनू यही है, तो इधर है जीरा राइस, इधर है आलू दम और इधर है सैलड, तो ये आज हम इधर बैठ के खाएंगे। और पूरा खाना मैं बना के लेके आई हूँ और आज फास्ट डे मैंने जीरा राइस बनाया, तो कैसा हुआ पता नहीं, बाबा ने खा के बताएगा कैसा हुआ। तो चलो खाना स्टार्ट करते, भूख भी ज़्यादा लग गई तो चलो खाना स्टार्ट कर देते हैं। चलो का बर्थडे का स्पेशल मेनू, तो ये अभी खाना स्टार्ट करते, पहले भूटू को खिला दे क्योंकि उसका बर्थडे है। बहुत अच्छा हुआ है और फर्स्ट टाइम गुटू ने जीरा राइस बनाया। चलो मैं भी टेस्ट करके बोलूँ कि गुटू का अच्छा हुआ है। गुटू ने पहली बार बनाया लेकिन जीरा राइस में जीरा का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है मतलब ये एमबीएस में बैठ के खा रहा है हम दोनों एक साथ, तो और भी मज़ा आ रहा है। वो भी एक साथ तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सच में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम अभी, है ना। और एक दिन एकदम अच्छा हो गया, अभी भी अब बाकी है घूमना, पूरा घूमे नहीं हम लोग, और भी घूमेंगे लेकिन भूख लग गया और इसलिए हम लोग ने सोचा पहले चलो खा लेते हैं फिर हम लोग घूमेंगे। गुलाब ही गुलाब है, गुलाब का गार्डन है ये पूरा, देखो इधर से लेके इधर तक पूरा जितने तक दिखाई दे रहा है पूरा गुलाब का बगान है। देखो टीन टीन के साथ फोटो खींच रहा है और इधर है कार्टून कैरेक्टर, फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है गुटू का ये और मेरा भी, अरे है कुट्टूस, कुट्टूस तीन तीन और ये है गुट्टू। एक पिक्चर खींच दो ना पहले, पिक्चर खींच दो। अभी भी हम लोग का होने वाला है, अभी तक नहीं हुआ है। हाँ हो रहा है अभी धीरे-धीरे। तो हम लोग का अभी भी नहीं घूमना हुआ है, अभी भी घूमना चालू है हमारा और इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है, मैं तो टोपी पहन गए क्योंकि झील के साइड है ना, तो ठंडा ठंडा हवा दे रही है और हवा डायरेक्ट कान पे आके लग रहा है। तो अभी स्टाइल दिखाएंगे तो घर में जाके तो हालत ख़राब होने वाला है, फिर भी मैं टोपी नहीं पहना हूँ लेकिन ठीक है चलता है। हाँ उसका बर्थडे है ना, वो स्टाइल दिखा रहा है। नहीं स्टाइल नहीं, हाँ हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बाबा ने तो टोपी पहनी है।
ये जो नज़ारा है ना बहुत ही प्यारा है, उसके साथ जो ठंडी ठंडी हवा है बहुत ही ख़राब है, क्योंकि वो अगर लग जाए तो तबीयत एकदम बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को ही ठंडा लग रहा है, बहुत सारे ऐसे भी लड़की लोग आए हैं जिसको ठंड नहीं लग रहा है। मैं देख के बोल रही हूँ भगवान को, उसको तो ठंड नहीं लगता, नहीं लगता, लेकिन हम लोगों को लगता है और हम लोग ऐसे ही रहेंगे। हाँ एकदम। हम लोग अभी आईफेल टावर पे पहुंच गए हैं और अभी सूरज भी डूबने वाला है थोड़ी देर में, शाम तो होते ही जा रहे हैं। पीछे है आईफेल टावर और हम लोग इधर अभी बैठे हैं। कैसा लग रहा है बताओ, इतने सुंदर जगह पे तुमको लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और आज का पूरा दिन बहुत ही अच्छा गया और इतने देर बाद घूमने के बाद फाइनली हम लोग एक चेयर देके बैठ गए इधर और थोड़ी देर के लिए इधर बैठेंगे और इधर का नज़ारा देखेंगे। देखो झील है इधर और हम लोग इधर बैठे हैं। ठंडा हवा तो अभी भी दे रहा है, बहुत हो गया। और थोड़ी देर बाद हम लोग जब बाहर निकलेंगे तो तुम्हें मेरा स्टाइल चला जाएगा, तो मैं कान में दे दूँगी टोपी। इधर अभी बहुत ही तेज़ हवा दे रहा है और हमारा हाथ एकदम ठंड हो चुका है, बर्फ़ की तरह एकदम जम चुका है, क्योंकि अभी जो सामने झील है ना उधर से बहुत ही ठंडी हवा और भी तेज़ हवा दे रहा है। तो अभी हम और इधर नहीं रहेंगे, और इधर रहेंगे तो हम लोगों का हालत ख़राब हो जाएगा। तो अभी हम लोग निकलेंगे और घर की तरफ जाएंगे। तो चलो, बहुत सारे फोटोज़ बहुत सारे रील्स बना लिया, तो चलो अभी चलते हैं इधर से बाहर जाते हैं। मुझे बहुत ठंड लग रहा है। उतर जाओ, ये बच्चे लोगों का है, उतर जाओ, उतर जाओ, ये बच्चे लोगों का है, रुको मैं बुलाती हूँ। देखो ठंड में एकदम सेफ्टी ले लिया हम लोगों ने, पास करके जाना पड़ेगा और ठंडी ठंडी हवा देगा तो बहुत ही ठंड में वैसे भी मुझे लग रहा है, इसलिए मैं कान को और गले को एकदम प्रोटेक्शन दे दिया। और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर जाते जाते ही गुट्टू का मन किया कि वो दोलना पे उठेगा। हाँ, झूला बोलते झूला झूले, तो झूला झूले साजन झूला झूले, ठीक है चलो साजन झूला झूल लिया। हाँ। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ और अभी बांस पकड़ के जाएंगे घर। पूरा दिन बिताने के बाद अभी जाके घर पे पहुंचे हैं हम और शाम भी हो गया है और इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है ना, अभी मन कर रहा है कि चाय पीने का। तो अभी थोड़ा फ्रेश होके मैं जाऊंगा चाय बनाने और आज गुटू के लिए मैं स्पेशल चाय बना के लेकर आऊंगा। तो चलो फ्रेश होके फिर चाय बना के फिर आप सबसे मिलते हैं। हमारा शाम का चाय और स्नैक्स आ गया है। इधर मैंने बनाया अदरक से चाय और इधर बनाया भेज पकौड़ा और इधर है मूढ़ी। हम लोग अभी यही खाएंगे शाम को। और मैं एकदम फ्रेश होके बैठ गई हूँ, एकदम पैर में मोजा, स्वेटर नहीं पहना, घर थोड़ा गर्म गर्म है तो इसलिए। और मैं चोटी भी बांध लिया मेरा, देखो एकदम तैयार होके बैठे हैं फ्रेश होके। फिर ये खा के मैं अभी खाऊंगी गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकौड़ा। तो चलो पहले खा लेते हैं और थोड़ा फोन देख लेते हैं। तो अभी डिनर कंप्लीट करके आप सभी से बात कर रहे हैं और आज का दिन हम लोग तो सुबह से ही एकदम बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही अच्छा गया, स्पेशल अच्छा गया और बहुत ही जर्नी हुआ ऐसे तैसे, मतलब पूरा दिन ही हम लोग बाहर थे ना, तो अच्छा गया। कैसा गया वो तो तुम बताओगे। बोला ना मैंने, पहले भी बोला अभी बोला, और अच्छा गया और स्पेशल गया। और बर्थडे स्पेशल मतलब ये तो एक डेट ही है, तो बर्थडे स्पेशल ये सरप्राइज डेट आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। बताओ आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सच में, बहुत तुमको अच्छा लगाने के लिए तो सब कुछ। और सुबह से कितने बार मुझे हैप्पी बर्थडे बोल चुकी हो? बहुत बार, कल रात 12 बजे से बोल रही। तो फिर से गुटू को हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। और क्या, और आज का दिन तो गुटू को अच्छा ही गया और कल भी मैं उसको स्पेशल फील करवाऊंगा, क्योंकि क्योंकि आज बंगाली में उसका बर्थडे है और इंग्लिश डेट
के मुताबिक काल है, मेरा दो दिन बर्थडे है, ठीक है, सभी का, बहुत सारे लोगों का ही ऐसे होता है। तो आज तो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया, मतलब दोनों एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, और काल कुछ नहीं करेंगे, काल उसको सिर्फ मारेंगे हम, ठीक है, आज इतना प्यार किया और काल पूरा मारेंगे, ठीक है ठीक है, एकदम मार मार के हड्डी पसली तोड़ देंगे, ठीक है, फिर तुमको ही डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। नहीं लेकर जाऊंगा। तो आज अभी हम लोग थोड़ा थके हैं और आज का दिन बहुत अच्छा गया, घुटू का बर्थडे स्पेशल डे सच में बहुत अच्छा गया हमारा, तो और मुझे थोड़ा थोड़ा ठंड भी लग गया। तुमको तो लगते ही है ठंड, तो तुमको लगते ही, और अच्छा हुआ मौसम ऐसे ही है कि ठंड। और एक बात अच्छा हुआ, हमारा ये प्लान उसने सोचा था कल करेंगे लेकिन आज कर दिया, वो अच्छा हुआ क्योंकि सुन रही हूँ कि बारिश होने वाला है, तो इसलिए आज हो गया प्लान सक्सेसफुल, तो अच्छा हुआ ये। तो मेरा भी तो कोई प्लान नहीं था आज करने का, मतलब घूमने जाने का और गुटू को थोड़ा सरप्राइज करने का, लेकिन फिर भी अचानक से हो गया, तो मैंने बोला चलो तुमको लेकर चलते घूमने के लिए, तो निकल गया, चला गया, तो मज़ा किया, पूरा दिन अच्छा गया। और चलो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना, तो चलो टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।